जा रहे हैं अभी आप? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं जी। तो अभी कोरोना काल है, इस समय में आपको कुछ सुविधा मिला है बस में? बहुत मिला है। सुविधा मिला है ना अभी? जी हाँ। तो अभी तो रेट उठ में क्या है रेट अभी पहले से? अभी तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। पहले से बढ़ा है जी। पहले कितना था? पहले 1300 स्लीपर था, अभी कितना? और चेयर 1000, अभी तो 2000 रुपया हो गया है। क्योंकि दो स्लीपर पे एक ही आदमी जा रहा है। दो स्लीपर पे एक आदमी जा रहा है। दो स्लीपर पे एक आदमी जा रहा है, तो दोनों का एक आदमी से लिया जा रहा है। हाँ हाँ। और भी क्या व्यवस्था किया गया है इस टाइम? इसमें अभी तो व्यवस्था कुछ है नहीं है। समझते तो कभी बिना पिए नहीं रहते हैं बिहार में। जितना जिस दिन से दारू बंद हुआ है उस दिन से हम लोग बराबर पीते हैं, है ना। हमारे साथ के आदमी भी पीते हैं। और इस बात को मेन लिखित जगह अगर पहुंचा सकते हैं आप इस मेरी बात को तो पहुंचाइए। अगर पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सर पहुँचाइए इस बात को। अगर पहुंचा अभी अभी हम आए हैं सिवान जिले के ललित बस स्टैंड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और हम यहाँ जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि अभी कोरोना काल है और उनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, और रेट की क्या अभी कमी है या क्या रेट में कुछ इजाफा हुआ है, कैसा क्या है। अभी आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और कुछ बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ललित बस स्टैंड है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक बसें जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, नेपाल हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, और भी बहुत सारे जगह पे जाती है यहाँ से बसें। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अभी रेट में क्या इजाफा हुआ है, कि क्या रेट है अभी, और ये कोरोना काल के समय में उनकी क्या व्यवस्था है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। दिल्ली वाली बस किधर है? देख सकते हैं कि अभी हम आए हैं ललित बस स्टैंड में, और यहाँ से काफ़ी जगहों पे बसें जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, नेपाल हो गया, गुजरात हो गया, और भी काफ़ी जगहों पे बसें जाती है। तो आइए हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि रेट में क्या कुछ इजाफा हुआ है या पहले से कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है बसों में। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था किया गया है। टिकट मास्टर है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि बसों में क्या कुछ आप सुविधा दिया गया है। बस पूरा फुली एसी है, पूरा एयर कंडीशन है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें दो सीट पे एक ही आदमी बैठ जा रहा है। चार्ज थोड़ा बढ़ गया है, पहले जो स्लीपर 1200 का कटता था अब 2000 का कट रहा है ना। चेयर का जो रेट था 1000 वो 1500 का कट रहा है। बस और कुछ है नहीं, बाकी हर यात्री को एक बोतल पानी चादर दिया जाता था, अभी नहीं दिया जा रहा है। पानी भी अभी बंद है ना। अब कोरोना का जैसे ये काल ख़त्म होगा, भयंकर समय ख़त्म होगा, तब फिर ये सारा सुविधा दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल का बढ़ चुका है। हाँ, इसके ये भी माने रखता है। हाँ, पेट्रोल डीजल का रेट तो अभी बढ़ा हुआ है, तो अभी इस पर सोच विचार होगा। मालिक लोग अपना बात करेंगे, उसके बाद रेट हो सकता है और इजाफा हो, है ना। लेकिन अभी 2000 स्लीपर अब 1500 चेयर का लग रहा है जी। सुविधा पूरी तरह से जो सवारी आ रहे हैं उनको मिल रहा है? पूरा पूरा सुविधा है। ये तो सवारी हमारे से सेटिस्फाइड है, ये तो सवारी बताएंगे। हम लोग तो टिकट काट रहे हैं, है ना। अब सवार हमारी बस खुलती है 2 बजे, और उस समय आप आएंगे तो हम सवारी से भी बात कराएंगे। सवारी खुद बताएगा कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, है ना। लेकिन हम अपने अपने तरफ से बेहतर सर्विस दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ललित बस स्टैंड है, और अभी हम आए हैं यहाँ पे ललित बस स्टैंड में, जहाँ से काफ़ी जगहों पे बसें जाती है। तो अभी कोई बस निकलने वाला नहीं है क्या? अभी कोई बस, अभी किसी बस का टाइमिंग नहीं हुआ है? सब 1:30-2 बजे निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई बस निकलने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हम आए हैं यहाँ पे ललित बस स्टैंड में, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जगहों पे यहाँ से बसें जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, नेपाल हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, और भी काफ़ी जगहों पे जाती है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ सवारी होंगे, कुछ लोग जाने वाले होंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अभी अभी कोरोना काल में उनकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है अभी। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ललित बस स्टैंड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ललित बस स्टैंड है, और यहाँ पे काफ़ी जगहों पे यहाँ से बसें जाती है। तो अभी कोरोना काल है, और यहाँ पे आते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या कुछ उनकी व्यवस्था है।
दिल्ली वाली बस किधर है? दिल्ली वाली ये है, ये वाली है, इसमें सवारी है कि नहीं? नहीं है सवारी अभी। सवारी किसमें मिलेगा बस में? कौन से बस में मिलेगा? इसमें ये कहाँ जाता है? रांची। चलो स्टार्ट कर दिया है। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ से काफ़ी जगहों पे यहाँ से बसें जाती है, जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया। तो आइए हम एक बस में चलते हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई है कि नहीं, और उनसे हम बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? झारखंड। झारखंड, तो अभी अभी तो कोरोना काल है, अभी क्या व्यवस्था है बस में? कहाँ कहाँ है हैं? बस में कुछ व्यवस्था मिला है आपको? हाँ। क्या मिला है? रेट का क्या, अभी रेट क्या है, कितना पैसा लगा है जाने के लिए? जाने के लिए अभी टिकट नहीं हुआ है। अभी टिकट नहीं लिए हैं? नहीं। अच्छा, तो अभी इसमें कोई है नहीं, आइए हम दूसरे बस में चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे। हाँ, तो आइए हम इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बसें आप देख सकते हैं, ये आपको दिल्ली जाती है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं जी। तो अभी कोरोना काल है, इस समय में आपको कुछ सुविधा मिला है बस में? बहुत मिला है। सुविधा मिला है ना अभी? जी हाँ। तो अभी तो रेट उट में क्या है रेट अभी पहले से? अभी तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। पहले से बढ़ा है? पहले कितना था? पहले 1300 स्लीपर था, अभी कितना? और चेयर 1000, अभी तो 2000 रुपया हो गया है, क्योंकि दो स्लीपर पे एक ही आदमी जा रहा है। दो स्लीपर पे एक आदमी जा रहा है? दो स्लीपर पे एक आदमी जा रहा है, तो दोनों का एक आदमी से लिया जा रहा है। हाँ हाँ। और भी क्या व्यवस्था किया गया है इस टाइम? इसमें अभी तो व्यवस्था कुछ है नहीं है, समझ लो सैनिटाइजर है। और आइए हम दिखा रहे हैं, आइए हम बस में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था है अभी, क्योंकि अभी कोरोना काल है और इस समय आप देख सकते हैं जी। जैसे इसमें डबल है ना, देखिए इधर, देखिए ये डबल वेट था तो अभी सिंगल इसको कर दिया गया है, देख सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो दोनों स्लीपर है, पूरी दोनों स्लीपर है, सिंगल ही जा रहे हैं। और इस पे जो डबल है, अच्छा, इस पे सिंगल ही जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस के ड्राइवर हैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, तो अभी आपके लिए कुछ सुविधा है कि नहीं? कोरोना काल है, क्या सुविधा है? मास्क वास्क तो अभी नहाने जा रहे थे तो इसलिए नहीं लगा रखा है। अच्छा। और बाकी पूरा मास्क वास्क लगा के चलते हैं। अच्छा। सैनिटाइजर भी मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि व्यवस्था में कुछ इजाफा किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। चलो शुरुआत कभी भी करना ना बस उसकी खाते हुए, तो आइए हम इधर भी चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए इधर, ये देख सकते हैं कि यहाँ ये ललित बस स्टैंड है और यहाँ से काफ़ी जगहों पे बसें जाती है, जैसे गोरखपुर हो गया, दिल्ली हो गया, नेपाल हो गया, और भी काफ़ी जगहों पे बस जाती है यहाँ से। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कोरोना काल है और इस समय में उनकी क्या व्यवस्था है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अभी कोरोना काल में क्या व्यवस्था है बसों में? सब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बस और भाई फोटो भी जाता हो। और बताइए, और अब हमरे को लगा के हमरों को ढापे नहीं। और क्या क्या व्यवस्था है बसों में? पानी है, सैनिटाइज है हाथ पर मारने के लिए। रेट में चेंजिंग हुआ है कि वही रेट है? 800, 1000, 1100 इस टाइम। पहले का क्या रेट था? पहले के कोरोना काल में 500। कोरोना काल में 500? हाँ, सवारी नहीं चलता था। अभी बढ़ गया रेट? अभी बढ़ गया बढ़ गया अभी बढ़ गया कि डीजल हो गया 94 रुपये लीटर। रेट बढ़े पे करेगा, बहुत डीजल का पैसा बहुत। अब जब गाड़ी में 44-45 हज़ार का डीजल लग रहा है तो गाड़ी जाएगी 70 हज़ार में, तो बचत नहीं है गाड़ी का एकदम। और क्या व्यवस्था है लोगों के जाने के लिए, क्या व्यवस्था किया गया है बस में? 2x2 स्लीपर है, दो आदमी जाएंगे आराम से। टोटल दो लोग जो पहले जैसे चलते थे ना, अभी
गाड़ी में चलिएगा तो दो गो सीट है जी, अलग अलग दो आदमी अलग अलग बैठेंगे, 50 आदमी बैठाना तो 25 आदमी बैठेंगे। हाँ, ये नहीं कि इसमें 70-80 आदमी भर के भाई, ये सब व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन रेट में इजाफा हुआ है क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ने और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से। तो सॉरी बताइए ना, 700 रुपया ट्रेन का है दिल्ली का, तो 1000 रुपया इसमें लग रहा है स्लीपर का। 1000 आप कह रहे हैं स्लीपर में, और उधर तो हमने पूछा तो बोल रहे हैं कि कितना, 2500। ना ना, जो बोले हैं उनका टिकट मांगे, चेक कीजिए ना, टिकट पर लिखा नहीं होगा कि 2500 है कि 1000 है। एसी गाड़ी थी वो, यहाँ पर दिल्ली का जितना बस चलते हैं सब एसी है, तो 1000 है। 1300 शायद कह रहे हैं। ना, 1300 नहीं है, ना 1000। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई है क्योंकि ये कोरोना काल है, और इस समय में आप देख सकते हैं कि बसों में अभी सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पूरी पालन किया जा रहा है। और आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनको सुविधा मिल रहा है। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जाने वाले, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनको सुविधा मिल रहा है।